शहद खराब क्यों नहीं होता है और मधुमक्खियां इसे कैसे बनाती है जो इतना असरदार होता है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान, चलिए जानते हैं। चाहे वजन घटाना हो या फिर खूबसूरती बढ़ानी हो, शहद के फायदों की फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन क्या आपको पता है कि शहद कब तक खराब नहीं होता है? कभी गौर नहीं किया तो जरा एक बार घर में पड़ी शहद की शीशी की एक्सपायरी डेट पर गौर करें, क्योंकि शुद्ध शहद की कोई एक्सपायरी होती ही नहीं है। बच्चों को ब्रेड पर शहद लगाकर खिलाते वक्त या गर्म पानी के साथ शहद पीते वक्त आपने यकीनन यह गौर न किया हो कि शहद कब तक खराब नहीं होता। लेकिन मिस्र से लेकर कई पुरानी सभ्यताओं के इतिहास की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के अवशेष में शहद भी कई बार मिला है और वह भी अच्छी अवस्था में। शहद की लंबी उम्र के पीछे का क्या राज है, यह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में भी पता लगाया है। शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध शहद में नमी न के बराबर होती है, जिस वजह से इसमें जीवाणु पनप ही नहीं पाते हैं या फिर जीवित नहीं रह सकते हैं। यही वजह है कि शहद लंबे समय तक खराब ही नहीं होता है। और अगर शहद खराब हो रहा है तो उसकी वजह उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट हो सकती है। शहद पर अपने अध्ययन के आधार पर शोधकर्ताओं ने बताया कि मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए जो पराग चुनती है उसमें 60-80% हिस्सा जल का होता है। लेकिन शहद बनाने के दौरान मधुमक्खियां सारी नमी को हटाती हैं और बचा हुआ हिस्सा शहद के रूप में बच जाता है। इसे बनाने के तरीके से ही इसकी लंबी उम्र तय हो जाती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी यह खूबी इसे बेहतरीन एंटीसेप्टिक भी बनाती है, क्योंकि शहद में किसी प्रकार का जीवन पनप ही नहीं सकता। गौरतलब है कि मिस्र की सभ्यता में इसका इस्तेमाल आंख और त्वचा से संबंधित रोगों के उपचार में किया जाता था और आयुर्वेद में शहद का इस्तेमाल कई कारगर दवाओं को बनाने में किया जाता है।